अभी एक और चीज आपके साथ शेयर करती हूँ, इस मॉल की बहुत अच्छी फैसिलिटी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं जियो वर्ल्ड मॉल मुंबई में आपके साथ हूँ, आपको दिखाती हूँ। इस मॉल की वीडियोस आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी देख सकते हो, इसलिए आज मैं इस मॉल का एक और नया हिस्सा आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है फ्रेश पिक। ग्रॉसरी स्टोर है लेकिन बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं आपको ये स्टोर अलग से आज दिखा रही हूँ। ये भी आपको अंदर से दिखा देती हूँ। फ्रेश पिक में एंटर होते ही सबसे पहला ये बड़ा सा स्टॉल सारे ऑफर्स वाले प्रोडक्ट से भरा हुआ है। स्टॉल्स पर हर जगह नाम लिखे हैं ताकि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना होता, जहां पर जो सामान लेना है हम सिर्फ वहां भी जा सकते हैं। स्टोर का नाम है फ्रेश पिक और ये सब्जियां भी एकदम फ्रेश फ्रेश हैं कि दिल करता है इनको खरीद के ले जाओ। फ्रोजन आइटम्स की भी काफी अच्छी वैरायटी है यहाँ। ये छोटे काउंटर्स पर जो प्रोडक्ट गिफ्ट के रूप में रखे हैं, हम चाहें तो इनको एज इट इज़ खरीद के ले जा सकते हैं। इसके पीछे जो काउंटर हैं, यहाँ पर अगर हम चाहें तो ख़रीद के चाय कॉफ़ी उसी समय हम पी सकते हैं, यहाँ खाना पीना अलाउड है, और अगर हम चाहें तो यहाँ से हम ख़रीद के भी ले जा सकते हैं। रेडी टू ईट पॉपकॉर्न भी यहाँ पर मिल रही है। थोड़ा और आगे चलें तो यहाँ पर समोसा वगैरह जैसे आइटम का भी एक पूरा भरपूर स्टॉल है, जहाँ पर चीज़ें लेके हम यहाँ खड़े होकर इस टेबल पे सामान रख के खा भी सकते हैं। और उस काउंटर पर भी इसी तरीके की फ्रेश सुशी वाले आइटम्स मिल रहे थे। इतनी सारी खाने की चीज़ें एक बाज़ार की भीड़ भाड़ से अलग यहाँ सफाई से रखी हुई मिल रही हैं, ये तो एक थेरेपी हो गई हमारी आँखों के लिए, हमारे दिमाग के लिए। मैंने यहाँ की आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश की है और दिखाया है कि यहाँ पर चीज़ें कैसे कैसे हम ले सकते हैं और आराम से घर जा सकते हैं। ऐसी जगह आऊँ और कोई चीज़ ना ख़रीदूँ ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने जो सामान ख़रीदा है उसकी बिलिंग मैं करवा चुकी हूँ। सामान कितना भी ख़रीद लो लेकिन इस स्टोर में भी आके इस बैग के पैसे मुझे देने पड़े हैं। ट्रॉली की अलग अलग वैरायटी देख के, अलग अलग टाइप देख के आप समझ जाओगे कि यहाँ पे शॉपिंग करना कितना मज़ेदार है और आरामदायक है। हर तरह की ट्रॉली है, जिसको जो सूट करती हो वो ले सकते हैं। जैसे कि बड़े लोगों को चाहिए तो ऐसी ट्रॉली ले लो, छोटे बच्चों को बिठाने की ट्रॉली भी यहाँ पर है। बच्चों को भी उनकी वाली ट्रॉली अगर हम दे दें तो वो भी इंडिपेंडेंट फील करते हैं और उनका अच्छा टाइम भी पास हो जाता है। मैंने आपको जियो वर्ल्ड मॉल घुमाया, फ्रेश पिक घुमाया। अब आपको सोचना ये है कि आपको इसमें से क्या क्या अच्छा लगा है, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में,
ताकि वो मुंबई आए तो यहाँ आने का प्लान कर सकें। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।